नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर किया रेल रोको आंदोलन, पुलिस ने स्टेशन के बाहर रोका। खबर विदिशा से है, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने आज दोपहर रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। इस संबंध में जब किसान और उनके सदस्य विदिशा रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब पहले से ही कोतवाली पुलिस जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन के प्रवेश मार्ग को बंद कर दिया है। किसान मोर्चा के और किसानों और पदाधिकारियों ने स्टेशन के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कार से कुचलकर मारने वाले केंद्रीय मंत्री के पुत्र को अब तक कार्यवाही की जद में नहीं लाया गया है। साथ ही कृषि कानूनों को भी वापस लेने की मांग किस आंदोलन के दौरान की गयी। बाइट आनंद प्रताप सिंह, पदाधिकारी संयुक्त किसान मोर्चा। बाइट वीरेंद्र झा, TIT कोतवाली विदिशा। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया है माधोगंज पे रेलवे स्टेशन के पास में, और इनको समझाइश दी गई, इनका ज्ञापन लिया गया है। नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है इसमें। आज ये ट्रेन रोको अभियान जो चला था संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में चला, और इसका जो है लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय मंत्री जो मिश्रा जी के लड़के ने जो किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया, कुछ उसमें घायल हो गए, उनके विरोध में रेल रोको अभियान पूरे हिंदुस्तान में आज रखा गया और उसका हम विरोध करते हैं। और इसके अलावा जो नए कृषि कानून जो थोपे जा रहे हैं उसका हम पूरा जोर पूरा विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत।